गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? होप सब बढ़िया रहोगे। आज का व्लॉग हो चुका है अपना चालू। आज 8:50 हो रहा है, अभी जा रहा हूँ पनवेल। पहले ऋतिक को फ़ोन कर लेता हूँ। मिला ट्रेन? तो अभी क्या कर, एक काम कर, मैं जाता हूँ पनवेल आगे। हाँ, तू पनवेल स्टेशन पे मिल मेरे को। तो जैसे कि आपने देखा, पनवेल जा रहे हैं हम लोग। तो आज की जर्नी हो चुकी है अपनी चालू। कैसा सीन है कि बीड से एक बाइक आ रही है, डोमिनार 400। अभी आप देख लोगे बाइक की कंडीशन कैसी है। ट्रेन में आ रही है तो वो गाड़ी ड्रॉप होगी पनवेल में। तो अभी पनवेल कैसा है, पनवेल स्टेशन से पिक करके फिर पेट्रोल पंप। तो ऋतिक को बुला लिया, तो ऋतिक ऑन द वे है, वो डायरेक्ट पनवेल पहुंचेगा। पहले प्लान ऐसा था कि वो कोपर के ना उतरेगा, बट अभी उसको घाटकोपर से ट्रेन नहीं मिल रही है तो वो डायरेक्ट पनवेल पहुँचेगा। तो अभी वहाँ पर गाड़ी कैसा क्या है वो प्रोसेस चेक कर लेते हैं। और ये गाड़ी, चलो इसका एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो आगे आपको वीडियो में बताऊंगा ज़रूर। तो अभी ये एक्सेस पेट्रोल जो है वो निकाल रहे प्रोसेस। तो ये इनका 300 रुपये कुछ चार्जेस है, प्लस GST पकड़ के 354 जाता है। तो पूरा पेट्रोल ट्रेन ऑफ हो गया, उसके बाद ट्रेन में जाएगा। ट्रेन का रूल है, मतलब एक बूंद भी पेट्रोल नहीं चाहिए। तो ये है पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन, चाहिए तो इसका मैं फ़ोटो भी शेयर कर देता हूँ। तो क्या क्या चीज़ नेसेसरी आपको, वो यहाँ पे पता चलेगा। और एक नॉमिनल चार्जेस के यहाँ पर देखिए, मतलब 300 रुपीज़ रेट है, GST लगेगा 18% और प्राइस है 354। एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म फीस है। ये पूरी टीम है यहाँ पे, जो देखिए ये इनका नंबर है जितेंद्र जी का और राजू जी का नंबर। और यहाँ पे ये सब टीम पूरा मतलब एक प्रॉपरली प्रिकॉशन करके भेजती है। और जो भी डेस्टिनेशन है उसके हिसाब से चार्जेस आपको देना है, जैसे कि मतलब मोटा मोटी 3,000-4,000 या मैक्स 5,000, इसके ऊपर का चार्जेस होगा नहीं, ट्रेन का फेयर। और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग पनवेल के जो लोग हैं या नवी मुंबई से जो बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पे गाड़ी एकदम इजीली डाल सकते हैं। मतलब ज़्यादा रश नहीं, जैसे कुर्ला वगैरह में बहुत रश रहता है, वैसा कुछ यहाँ पे फील नहीं है। अभी एक या दो गाड़ी वहाँ पर लाइनअप लगी और ये यहाँ पर पूरा टीम, यहाँ पे देखो एक नॉमिनल पेपर वर्क होता है। डॉक्यूमेंटेशन में बात करेंगे अगर, तो रजिस्टर ओनर का, जो RC पे ओनर है, उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड साथ में कैरी करना है, दैट्स इट। और सेंडर जो वहाँ पे रिसीवर रहेगा, उसका एक आधार कार्ड पैन कार्ड आपको यहाँ पे शो करना है बस। और रिसीवर को, जैसे मैं अभी यहाँ पे रिसीव करने आऊँ, जो बीड से गाड़ी आई है, तो वही प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ हेडेक नहीं। सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन क्लियर रखो, गाड़ी एकदम सेफली आपके स्टेशन तक का पहुँच जाएगा। फिर स्टेशन से जो भी एक है, पेट्रोल आपको नहीं मिलेगा, आपको कैरी करना होगा या फिर टो करके आपका गाड़ी लेके जाने का प्रोसेस है। तो ये ऐसा प्रोसेस होता है इनका, रेलवे का, काफ़ी सॉर्टेड है और चिल है लोकेशन। तो आगे अभी अपन बात करते हैं। तो साइकिल भी आ गई अभी, वो साइकिल भी पार्सल होता, मतलब यहाँ से जो भी, कार का आइडिया नहीं है मेरे को, लेकिन साइकिल तो दिख रही है अभी, बाइक दिख रही है, इतना तो मोटा मोटी 100% है। कार का वो भी पूछ लेता अभी। रिलीज लेटर मिल चुका है अपने को, काफ़ी कोऑपरेटिव लोग हैं यहाँ पर, तो अभी इनके साथ जाने का अपने को, मतलब ये गाड़ी अपन वहाँ छोड़ेंगे और अपनी गाड़ी वहाँ से लेके आएंगे। ये गाड़ी ही जुपिटर है, जुपिटर को ऋतिक धक्का दे रहा है अभी। अभी वहाँ से फिर हम लोग हमारी गाड़ी लेंगे, काफ़ी कोऑपरेटिव है वो, अशोक भाई है आगे, मतलब 10 मिनट के बाद में फुल फ्रेंडली हो गया। ये गाड़ी अभी आ चुकी है, काफ़ी वेट करना पड़ा थोड़ा सा, मतलब गाड़ी 11:16 हो चुके हैं अभी, हम लोग के हाथ में डिलीवरी।
अभी और थोड़ा बहुत टाइम जाने वाला, ऊपर नीचे होगा टाइमिंग। फोन आ रहा, अनलोडिंग हो रहा, अशोक भाई ने पूरा अनलोडिंग कर लिया गाड़ी। हेलो, हाँ, अरे गाड़ी अभी तो हाथ में आया है, अभी उसको पेट्रोल लाने का, पेट्रोल यहाँ पे कोई बोतल में दे रहा नहीं है, मतलब उल्टा फुलटा काम है इधर। ठीक है, मैं करता हूँ, रुको। गाड़ी तो आ चुकी है, पेट्रोल नहीं है इसमें, तो हम लोग यहाँ से यूजुअली ऐसा टो करके लेके जाएंगे, तो ये सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए ठीक ऑप्शन है। अभी फ्यूल पंप तक का जाके फिर वहाँ पे फ्यूल अप कर लेंगे इसमें। राइट ले, राइट राइट, तो अभी चलो फ्यूल अप कर लेते हैं। अभी ये सीन काफ़ी लंबा होने वाला, फ्यूल अप करके फिर मिलते हैं आपको। अभी मोटा मोटी 12:30 हो चुका है। सो गाइस, पहुंच चुका हूं अपने नए शोरूम पे। जैसे कि मैं वीडियो में स्टार्ट में बोला था, समथिंग सरप्राइज, पीछे देखो लाइनअप देखो, जहां तक नज़र जाती है वहां तक गाड़ियां ही गाड़ियां, बुलेट राजा बाइक्स की। ये अपना न्यू शोरूम का वीडियो है, काफ़ी लेट डाल रहा हूँ। और जो आज अपनी गाड़ी आ चुकी है, देखो वॉश पॉलिश डिटेल, सॉरी ये गाड़ी नहीं है, वॉश पॉलिश डिटेल होके ऐसा ये रहा टड़ा। जैसे मैं बोला था ट्रेन से आई थी, MH 44 पासिंग, ये वाली गाड़ी ऑन द ट्रस्ट, कस्टमर ने एक ट्रस्ट पे ये गाड़ी भेजी है 2020 की, देखो 1630 अभी टोटल किलोमीटर हो चुका है। मैं और ऋतिक, तो ये अपना शोरूम का न्यू शोरूम का लोकेशन अभी डिस्क्रिप्शन पे आ रहा है। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए अपने चैनल पे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर। और एक बात, अगर शोरूम का पूरा टूर वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताना, आपको वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर।